ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये तस्वीरें भागते हुए लोगों की है। और ये लोग कहाँ से भाग रहे हैं और कहाँ की तस्वीरें हैं, तो आपको बता दें, पहली नजर में ये लगेगा कि भारत की तस्वीर है। ये भारत की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये तस्वीर है चाइना की। अब ये दीवार फांद फांद कर क्यों भाग रहे हैं कि जिस तरीके से भारत के हालात कभी बने थे, उस तरीके का माहौल यहाँ पर क्यों हो रहा है? आखिर क्यों चीन के अंदर जिमी जिमी गाना एन किया जा रहा है? लोग इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? इतनी भगदड़ क्यों मच गई है? तो वहीं अब भारत के बॉम्बर्स ने मचाया तांडव। एक बार को आप सोचेंगे, भारत के पास तो बॉम्बर्स है नहीं, फिर किन बॉम्बर्स ने तांडव मचा दिया है? जानेंगे भारत के बेहद खतरनाक बॉम्बर्स कैसे चीन के लिए काल बने। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन में ये तस्वीरें निकल कर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। इन तस्वीरों में क्या दिख रहा है? पहले तो ये तस्वीर दिख रहा है फॉक्सकॉन के ऑफिस का। फॉक्सकॉन और एप्पल, इन दोनों के ऑफिस से, इन दोनों की फैक्ट्रियों से ये तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, जहां पर लोग दीवार फांद फांद कर निकल रहे हैं, भाग रहे हैं। स्थिति ऐसी हो गई है कि चाइना के आर्मी को भेजना पड़ रहा है और चाइना नया प्लान बना रहा है कि कैसे इन्हें यहां से निकल कर भागने से रोका जाए। चीन में सबसे बड़ी आईफोन फैक्ट्री है फॉक्सकॉन, और यहाँ की दीवार से लोग भाग रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहाँ पर ऐसे ही हालात, रात के सीन में काफी सड़क के किनारे बैठे हुए हैं, थक गए हैं, पैदल ही निकल पड़े हैं। ये सारी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये चाइना से निकल कर आ रही है। हालांकि चाइना इस बार इसमें सेंसरशिप लगाने में कामयाब नहीं हो पाया है, रोक नहीं पाया है, लेकिन ये तबाही का आलम है जो चाइना के अंदर शुरू हो चुका है। ये सब कुछ हो क्यों रहा है और ये लोग कहां से भागकर निकल रहे हैं? तो आपको बता दें, चीन में झेंगझाओ प्रांत है। जैसे हमारे यहाँ राज्य होते हैं, वैसे ही उनके यहाँ प्रांत होते हैं। झेंगझाओ में ये सबसे बड़ी आईफोन की कंपनी है और यहाँ से कर्मचारी दीवार फांद फांद कर निकलने लगे। इन कर्मचारियों को खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा है और ये पैदल ही अपने घर की तरफ भाग रहे हैं। इन कर्मचारियों के भागने से चीन की सरकार दहशत में आ गई है और कई शहरों में अब जो भीड़ घुस रहा है, उस भीड़ को रोकने के लिए हड़बड़ी में योजनाएं बनाई जा रही है कि कैसे इस भीड़ को रोका जाए। और आपको बता दें, चीन इसलिए नहीं रोक रहा है कि इन्हें चीन कुछ सहायता मौजूद कराएगा या मदद देगा, बल्कि चीन इन्हें जहां पकड़ेगा वहीं इन्हें बंद कर देगा स्टील के डब्बों में। स्टील के टीन के ये जो डब्बे हैं, ये डब्बे दरअसल क्वारंटाइन के डब्बे हैं, जिनमें इन्हें बंद करने की बातें हो रही है। चीन को डर सता रहा है कि फॉक्सकॉन की विशाल फैक्ट्री से ये लोग भाग रहे हैं और ये कर्मचारी अब देश के अन्य हिस्सों में जाएंगे, जहां पर ये महामारी को फैला देंगे। फॉक्सकॉन की इस फैक्ट्री से भाग रहे चीनी कर्मचारियों का वीडियो वायरल हो गया है और इसमें नजर आ रहा है कि ये कर्मचारी फॉक्सकॉन फैक्ट्री के चारों ओर लगाई गई बाड़ को फांद कर निकल रहे हैं। ये लोग अपने सामान को लेकर पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने घरों की ओर निकल रहे हैं। इन्हें कोई वाहन नहीं मिल रहा है, पैदल ही चल रहे हैं। आपको बता दें, जिस आईफोन फैक्ट्री से ये निकल कर बाहर आ रहे हैं, उनमें कहा जाता है कि 2 लाख कर्मचारी काम करते हैं और इस कंपनी में चीन के नियम के अनुसार चीन ने यहाँ पर लगा दिया कि जितने कर्मचारी हैं सबको क्वारंटीन कर दो। 2 लाख कोई छोटा मोटा संख्या नहीं है। एक अकेले फैक्ट्री में 2 लाख परिसर में लोग रह रहे हो। अब ये लोग यहाँ से भागने लगे क्योंकि क्वारंटाइन के नियम बहुत ही कठोर माने जा रहे हैं। आपको बता दें, फॉक्सकॉन सुनेंगे तो आपको लगेगा ये ताइवान की कंपनी है। बिल्कुल सही है, ताइवान की ही ये कंपनी है फॉक्सकॉन, लेकिन ये एप्पल के आईफोन बनाती है चीन के अंदर। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि इसने झेंगझाओ के आसपास के शहर युझोऊ, चांगे, किनियांग, इनमें बहुत ज्यादा हलचल मचा दी है। चीनी सरकार ये कह रही है, जो फॉक्सकॉन से निकल निकल कर बाहर भाग रहे हैं, उनकी हमें जानकारी दो ताकि हम उन्हें पकड़ सकें, हम उन्हें नियंत्रित कर सकें, नहीं तो ये चीन के चारों तरफ फैलाएंगे महामारी और ये हमारे लिए सिरदर्द बन जाएगा। आपको बता दें, चीन में इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं लोग लॉकडाउन से और जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और इन प्रदर्शनों में अब तो खाली
डब्बे खाली बर्तन दिखाकर लोग गा रहे हैं जिमी जिमी। वैसे आपको बता दें, जिमी जिमी आजा आजा ये जो है ये तो 1982 में भारत में बॉलीवुड का सॉन्ग है, लेकिन यहाँ चीन में इस शब्द का मतलब होता है हमें रोटी चाहिए, हमें रोटी चाहिए। लोग भूखमरी के आला तक पहुंच गए हैं और प्रदर्शन के लिए अब इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। खैर, आईफोन एप्पल जितने संकट में फंसेंगे समझ लीजिए भारत के लिए उतना ही फायदा है, क्योंकि ये सारे फिर भाग भाग कर भारत की तरफ रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो भारत के लिए बेहद खास है। इस वक्त भारत के पास बॉम्बर्स नहीं है, और अभी आप देखेंगे ना, चाइना को अपनी ताकत दिखानी होती है वो तुरंत बॉम्बर्स सामने ला देता है, उड़ाने लगता है या सीमा पर लाकर खड़ा कर देता है। यही नाटो के साथ भी है, अमेरिका तुरंत अपने बॉम्बर्स को दौड़ा देता है, रूस के साथ भी है, बॉम्बर्स को दौड़ा देता है। इसके पीछे कारण है। कारण क्या है? कारण ये है कि जितना ज्यादा क्षति बॉम्बर्स पहुंचा सकते हैं उतना ज्यादा क्षति कोई और जेट नहीं पहुंचाते हैं। इनका इस्तेमाल ही किया जाता है बड़े से बड़े युद्ध मैदान को खाली कराने के लिए। एकदम से गए, बहुत दनादन बम छोड़ते चले गए, कोई निशाने की जरूरत नहीं, सीधे सफाया करता चले जाना है, बड़े क्षेत्र का सफाया कर दिया। भारत में काफी लंबे समय से मांग हो रही थी कि भारत के पास भी अपने बॉम्बर्स होने चाहिए, और अब भारत के एक बड़े ऐलान ने दुनिया भर को चौंका कर रख दिया है। चलो बॉम्बर्स तो भारत बना सकता है, भारत ने सोचा कि पहले हम बड़े बॉम्बर की जगह ऐसे फाइटर जेट को चुनते हैं जो ज्यादा देर तक हवा में रह सके और ज्यादा पेलोड ले जा सके। तो भारत के दिमाग में आया, चलो हमारे लिए एक मिनी एयरफोर्स बन जाएगा, और इन मिनी एयरफोर्स में हम करीब 32 ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट रख देंगे जो बॉम्बर्स का काम करेंगे। सुखोई 30 MKI को चुना गया कि हम इसका इस्तेमाल करेंगे बॉम्बर्स के रूप। लेकिन अब समस्या आ गई। समस्या ये आ गई, ठीक है ये ज्यादा देर तक आसमान में रह सकता है, लॉन्ग रेंज मिशन कर सकता है, और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं टैक्टिकल न्यूक्लियर बम गिराने के लिए, पर ये स्टिल्थ नहीं है, रडार की पकड़ में बहुत जल्दी आ जाएगा। दुश्मन के क्षेत्र में अगर ज्यादा देर तक ये घूमता रहेगा तो इसे मारकर गिरा दिया जाएगा। अब इसी के लिए भारत ने, भारत की जो परियोजना चल रही है TEDBF, इसके आधार पर बना रहा है भारत एक फाइटर जेट, जो फाइटर जेट 26.5 टन का एक बड़ा फाइटर जेट होगा, और इस फाइटर जेट को स्टिल्थ फीचर के साथ लैस किया जा रहा है ताकि ये रडार की पकड़ से बाहर रहे। वैसे आपको बता दें, भारत इस पर बहुत तेजी से काम कर रहा है ताकि ये फाइटर जेट बॉम्बर्स के रूप में भारत को मिल जाए और 30 या 36 की संख्या में इसे भारतीय सेना में खास तौर पर शामिल किया जाए। आपको बता दें, TEDBF वैसे नौसेना के लिए बनाया जा रहा है और ये एयरक्राफ्ट कैरियर पर इस्तेमाल होने वाले फाइटर जेट के रूप में इस्तेमाल होगा। वैसे आपको बता दें, अभी जगुआर का इस्तेमाल किया जाता है छोटे लेवल पे एक बॉम्बर के रूप। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं।